जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू फिज़िक्स लेक्चर ऑफ ऑफिसर स्कूल स्टूडेंट्स आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ मजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स ये एक ऐसा ब्रॉड टॉपिक है कि हमें फिज़िक्स के अंदर हमेशा ऐसी इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है कि जिससे हमें कोई ना कोई वैल्यू जो है या कोई ना कोई फिज़िकल क्वांटिटी जो है उसको मैयर करना पड़ता है फॉर एग्जांपल वो लेंथ भी हो सकती है वो मैथ भी हो सकती है टाइम हो सकता है वॉल्यूम हो सकता है एरिया हो सकता है डिस्टेंस हो सकता है ठीक है इस तरह की डिफरेंट जो फिज़िकल क्वान्टीज़ हैं उनको हमें मैयर करने के लिए किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है ठीक है जिसको हम कहते हैं जी कि वो एक मैयरिंग इंस्ट्रूमेंट है ठीक है अब ये मजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं ये हमेशा से जो हैं वो यूज़ होते रहे हैं फॉर मजरिंग डिफरेंट फिज़िकल क्वांटिटीज ठीक है लेकिन पास्ट के अंदर जब साइंस इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी तो ये जो मजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स थे इतने ज़्यादा रिलायबल नहीं होते थे ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह से वाटर क्लोग जो था उसका यूज़ किया जाता था या फिर सन डायल एक इंस्ट्रूमेंट होता था ठीक है जो सूरज के जो मूवमेंट है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो बताया करता था मेजरमेंट जो है ठीक है टाइम की तो इसी तरह से दूसरे जो मजरिंग डिवाइस हैं वो यूज़ की जाती थी बिफोर थर्टीन हंड्रेड ए डी यानी कि ये जो इतना पुराना टाइम था तब तक जब साइंस इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी तब तक ये जो इंस्ट्रूमेंट थे ये यूज़ किए जाते थे फॉर मेजरिंग डिफरेंट फिज़िकल क्वान्टिट्टीज़ लाइक टाइम डिस्टेंस एंड एट्सट्रा ठीक है इसी तरह से डिजिटल क्लॉक्स जो हैं या फिर वॉचिज़ जो हैं ये आजकल के दौर में जो है वो यूज़ की जाती हैं टाइम को मेयर करने के लिए ठीक है तो ये काफ़ी ज़्यादा रिलायबल हैं एज़ कम्पेयर टू दोज जो कि प्रीवियसली जो है वो यूज़ की जाती थी सो so, कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने हैं तो सबसे पहले जो है वो हम स्टार्ट करेंगे द मीटर रूल से ठीक है सो मीटर रूल जो है ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मैयर करता है कौन सी फिज़िकल क्वांटिटी को लेंथ को मैयर करता है ठीक है और ये इसको हम यूज़ करते हैं डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए फॉर एग्जांपल लेबॉर्टरीज़ के अंदर जो है वो इसको यूज़ किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ जो अगर हमें देखनी है अगर कि वो कितना उसकी लेंथ कितनी है या फिर अगर हमने किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को मैयर करना है तो तब भी जो है वो हम मीटर रूल जो है इसका यूज़ करेंगे ठीक है और ये जो मीटर रूल है इसकी लेंथ कितनी होती है इसकी लेंथ जो है नाम से ज़रा है कि ये वन मीटर जो होती है इसकी लेंथ होती है और वन मीटर के अंदर यानी कि हंड्रेड जो हैं वो इसकी जो डिविजन्स होती हैं वो एक से लेकर हंड्रेड सेंटीमीटर्स तक होती हैं जिस तरह से ये आप इधर देख भी सकते हैं ठीक है ये आपके पास एक मीटर uh, रूल जो है वो बना हुआ है ठीक है इसके अंदर वन से लेकर हंड्रेड सेंटीमीटर तक या वन मीटर तक जो है वो डिविजन्स होती हैं ठीक है जो इस मैरिंग सॉरी ये जो मीटर रूल है इससे हम मैयर कर लेते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ अगर मैयर करनी हो या अगर हमने दो पॉइंट्स के दरमियान जो है वो डिस्टेंस लेना हो तो तब भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं ठीक है सो हर जो सेंटीमीटर है इसके ऊपर उसको फर्दर डिवाइड किया जाता है स्मॉलर डिवीजन के अंदर कितनी डिवीजन के अंदर टेन स्मॉल डिवीजन के अंदर उनको हम क्या कहते हैं उनको हम कहते हैं मिलीमीटर ठीक है यानी टोटल इसकी लेंथ कितनी है वन मीटर और वन मीटर के बाद इसके अंदर टोटल सेंटीमीटर्स कितने हैं वन से लेकर हंड्रेड सेंटीमीटर तक जो है वो इसको डिवाइड किया गया है ठीक है यानी इधर जो लेट से अगर वन है ठीक है और अगर इस साइड के ऊपर जो है वो वन है और इस साइड के ऊपर हंड्रेड है तो ये वन से लेकर हंड्रेड सेंटीमीटर तक जो है ये टोटल इसकी डिवीजनस होंगी ठीक है लेकिन अब ये जो वन सेंटीमीटर है इसमें से हर सेंटीमीटर को मज़ीद कितने डिवीजन के अंदर टेन मजीद फर्दर स्मॉलेस्ट डिविजन्स के अंदर उसको डिवाइड किया जाता है और हर डिवीजन जो है उसको हम कहते हैं वन मिली ठीक है सो इस तरह से हम ये जो मीटर रूल है इसमें स्मॉलेस्ट जो वैल्यू है जिसको हम मैयर कर सकते हैं वो कौन सी होगी वन मिलीमीटर ठीक है सो किसी भी मजरिंग इंस्ट्रूमेंट की वो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो हम उससे मैयर कर सकते हैं उसको हम उस मजरिंग इंस्ट्रूमेंट का क्या कहते हैं लीज काउंट कहते हैं जिस तरह से इधर आप देख सकते हैं कि इधर इसकी डेफिनेशन भी दी हुई है कि मीटर रूल से हम वन मिलीमीटर स्मॉलेस्ट रीडिंग जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं मैयर कर सकते हैं सो दिस विल बी द लीज काउंट ऑफ मीटर रूल ठीक है अब नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाता है कि हमने जब इससे लेंथ या डिस्टेंस को मैयर करना है तो वो उसका तरीका क्या होना चाहिए सो so, इसका तरीका जो है वो आइडियल ये होना चाहिए कि आपने अपनी जो आई है उसको बिल्कुल वर्टिकल पोजीशन के ऊपर रखना है किधर जिस जिधर से आप रीडिंग जो वो ले रहे हैं फॉर एग्जांपल ये आपका एक ऑब्जेक्ट है ठीक है और उसके इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो है वो आप डिस्टेंस देखना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे आप इसके बिल्कुल वर्टिकली अपनी आई जो है उसको सेट करेंगे और फिर जो है वो आप इसको देखेंगे अगर आप आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका जो पोजीशन है वो इधर है आप इसको वर्टिकली इधर से देखेंगे या फिर इस पोजीशन से देखेंगे हॉरिजोंटली uh, देखेंगे तो आपकी रीडिंग जो है वो सही आप उसको रीड नहीं कर पाएंगे ठीक है तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप बिल्कुल वर्टिकल पोजीशन के ऊपर आपका जिस पॉइंट के ऊपर अपनी रीडिंग जो है वो मैय करनी है उस पॉइंट के ऊपर अपनी आई जो है उसको सेट करें ठीक है सो so, दिस इज़ ऑल अबाउट मीटर रूल के किस तरह से आपने इससे मजरमेंट लेनी है और इससे आप कितनी मजरमेंट जो है वो ले सकते हैं यानी कि इसका जो लीस्ट काउंट है वो वन मिली मीटर उसमें डिविजन किस किस तरह की होती हैं उसके बाद नेक्स्ट है मजरिंग टेप यह भी एक सिम्पल सा जो है वो मजरिंग इंस्ट्रूमेंट है टेप है ठीक है जिसको लेंथ वगैरह मैयर करने के लिए यूज़ किया जाता है वो लेंथ जो है वो मीटर में भी हो सकती है सेंटीमीटर में भी हो सकती है इसके अलावा इंचज़ के अंदर भी हो सकती है ठीक है तो ये डिफरेंट यूनिट्स uh, के अंदर जो है वो इसको डिफरेंट uh, प्रिफिक्सिस के अंदर इसको यूज़ किया जाता है लेंथ मैयर करने के लिए ठीक है सो so, uh, uh, जो मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये मैजरिंग टेप जो है वो यूज़ करते हैं जी जो ब्लैक स्मिथ होते हैं ठीक है या फिर जो कारपेंटर्स होते हैं जिस तरह से आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई बिल्डिंग वगैरह बन रही होती है तो जो मेजन्स uh, होते हैं मिस्त्री होते हैं उनके पास एक मजरिंग टेप होती है जिससे वो जो है वो मैयर uh, करते हैं लेंथ को अगर दो उन्होंने डिफरेंट जो है वो ब्रिक्स लगानी है तो ब्रिक्स का जो डिस्टेंस है वो देखने के लिए और उनकी पोजीशन देखने के लिए उनकी लेंथ देखने के लिए वो इस वजरिंग टेप का यूज़ करते हैं इसी तरह से जो कारपेंटर्स वगैरह हैं जब वो कोई अलमारी वगैरह बना रहे होते हैं या टेबल कोई भी इस तरह का जो है वो चीज़ बना रहे होते हैं तो वो भी इस मजरिंग टेप के थ्रू जो है वो डिफरेंट लेंथ्स जो है वो लेकर लकड़ी के टुकड़े काट के तो उसके अकॉर्डिंगली जो वो चीज़ तैयार करते हैं ठीक है सो so, मजरिंग टेप जो है ये किस चीज़ से बनी होती है ये एक पतली सी जो है वो स्ट्रिप होती है किस चीज़ की हो सकती है वो मेटल की भी हो सकती है वो प्लास्टिक की भी हो सकती है या फिर वो कॉटन की भी हो सकती है ठीक है डिफरेंट मटीरियल से ये बनी हो सकती है और इसकी लेंथ जो होती है वो टेन मीटर तक हो सकती है ट्वेंटी मीटर हो सकती है फिफ्टी मीटर हो सकती है या फिर हंड्रेड मीटर लॉन्ग तक भी इवन जिसको आप फीता कह देते हैं उर्दू के अंदर तो इस तरह के जो मेजरिंग टेप होती है डिफरेंट लेंथ के अंदर जो है वो हो सकती है ठीक है और इसके अलावा सेंटीमीटर या फिर इंचज़ के अंदर भी इसकी जो डिविजन होती हैं वो हो सकती हैं सो दिस इज़ अबाउट मेजरिंग टेप तो ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है ये आपने तैयार कर लेने होपफुली आपको समझ आ गई होगी थैंक यू वेरी मच